नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री ना रहस बल्कि देश के प्रधानमंत्री बनस, यही बिहार के लोगन के कामना बा, शुभ संदेश बा। बिहार के लोग कामना करता कि अविलंब आवे वाला चुनाव में नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनस। गोल लगा तनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। खबर के हेडलाइन सुनी, बिहार में महागठबंधन के सरकार बनला पे जदयू आ महागठबंधन के कार्यकर्ता मनैले जश्न, फोड़ल गई बम पड़ाका। खबर का बटुए विस्तार से जानी। वीर कुंवर सिंह चौक पे जश्न के दौरान दर्जनों जदयू के कार्यकर्ता पुनः सत्ता के मजबूत मिलला पे एक दूसरा के रंग गुलाल लगा के मिठाई बटल है, साथे साथ बम पड़ाका भी फोड़ल गई। बता दी कि वीर कुंवर सिंह चौक पे जदयू के कार्यकर्ता के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जोर जोर से जयकारा लगावल जात रहे, साथे साथ लालू यादव के भी जयकारा लगावल जात रहे। इस दौरान जदयू के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह बतैनी कि आज हमनी के खुशी के बात बा कि हमनी के सत्ता पुनः मजबूत हो गई बा। यहाँ के कहनी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुल के महागठबंधन के नेता के सामने अपन पक्ष रखलन, सबके सहमति के बाद आज हमनी के नया सरकार बनल। वो जे अन्य नेता कहले कि महागठबंधन के सरकार बनला के बाद बिहार में बेरोजगारी दूर हुई, एकरा अलावे अपराध पे भी अंकुश लागी। हालांकि अब सरकार बन चुकल बटुए, मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव के मुकुट शोभ गई बटुए। हालांकि भोजपुरिया समाचार कयास लगेले रहे कि रेचल बनावल जा सकतरी, लेकिन कयास के दौर पे विराम लग गई। उप मुख्यमंत्री तौर पे तेजस्वी यादव शपथ ग्रहण में भाग लेनी, ओहिजे बक्सर के कार्यकर्ता में जोश लेखत बनत रहे, एक दूसरा के अबील गुलाल लगा के बधाई देत जदयू आ महागठबंधन के कार्यकर्ता फूले ना समात रहन। भोजपुरिया समाचार और दर्शक लोग के लाइव तस्वीर देखा रहल बा ज्योति चौक से, जहां लालू यादव से लेकर के नीतीश कुमार तक के जयकारा जदयू कार्यकर्ता महागठबंधन के कार्यकर्ता लगावत रहन। रउरा दर्शक लोग के बता देव कि अभी भोजपुरिया समाचार जदयू के जिलाध्यक्ष के बयान सुनाई कि वहाँ के का प्रतिक्रिया आई बा, वहाँ के का कहना बा। भोजपुरिया समाचार जदयू के जिलाध्यक्ष के बयान सुनाई। रउरा सबके बता दी कि महागठबंधन के बनला के बाद जदयू के जिलाध्यक्ष कहले बानी कि जौना तरीका से महंगाई चरम पर रहे, हमनी के अपन बात खुल के ना कह पावत रही जा, लेकिन अब यह महंगाई के मिटावे खातिर महागठबंधन पुरजोर प्रयास करी आ साथे साथे महंगाई पे अंकुश लगावे के काम करी। रउरा सब अब बयान सुनी का कहतनी जदयू के जिलाध्यक्ष साहेब। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कैले तो अभी बेल आइकॉन के बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, लाइक के बटन दबाई, कमेंट करके बताई कैसन लागल आ अधिक से शेयर करी, ताकि देश ना विदेश तक भोजपुरी या भोजपुरिया समाचार के धमक पहुँचत रहे। ये तो जग जाहिर है, उस गठबंधन से इस गठबंधन की सरकार बनी है। पुराने गठबंधन छोड़ के नयका गठबंधन हमने क्या बननी जा, जौना में यूपीए के सरकार बनल, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनल। बड़ी खुशी बा बिहार में कि सामाजिक न्याय के धारा कमजोर हो गई रहे, इधर उधर टुकड़ा टुकड़ा में बटल रहे, अब सामाजिक न्याय के धारा मजबूत हो गई बा। और नीतीश कुमार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में सामाजिक न्याय के धारा और मजबूत हुई, यही बिहार के लोगों की प्रतीक्षा रहे, देश के लोगों की यही प्रतीक्षा बा। और यही प्रतीक्षा बा कि नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री ना रहस बल्कि देश के प्रधानमंत्री बनस, यही बिहार के लोगों के कामना बा, शुभ संदेश बा। बिहार के लोग कामना करता कि अविलंब आवे वाला चुनाव में नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनस। बहुत खुशी बा कि सामाजिक न्याय के धारा मजबूत भेल, सामाजिक न्याय के धारा कमजोर हो गए रहे, सामाजिक न्याय के धारा मजबूत भेल। और दूसरी बात, देश के जनमानस में जन महंगाई के मार रहे, नीतीश कुमार अंदर कुंठित रहन, चाहत रहन कि देश के महंगाई के मार से निजात कैसे मिले, ताकि नरेंद्र मोदी के पीठ छूट जाए, हमने के महंगाई पर काबू करे खातिर अपन पहल करी है देश लेवल पे। क्या डिप्टी सीएम तो बन गए, अब क्या बनना है, डिप्टी सीएम बन गए,
शपथ हो गया, आप देख लीजिए। नाम का परिवार? अशोक कुमार सिंह, जनता दल यू के जिला अध्यक्ष बक्सर।